वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज है 7 फरवरी संडे और जनरली संडे को मैं कहीं ना कहीं घूमने निकल जाता हूँ। उसके अलावा वैसे तो लोग संडे को आराम से सोके उठते हैं, लेकिन जब से मैंने ये यूट्यूब वाला पंगा लिया है ना, तब से मैं संडे को जल्दी उठने लगा हूँ। और आज तो और भी जल्दी उठा हूँ और कर रहा हूँ ऑफिस का काम। कुछ प्रिंटिंग का काम है जो मुझे ऑफिस का करना है, मतलब इंस्टीट्यूट का करना है, क्योंकि फिर पूरे दिन में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए सुबह सुबह उठ के पहले ये काम निपटा रहा हूँ और फिर इसको प्रिंटिंग के लिए दूंगा और उसके बाद निकलूंगा मैं कहीं ना कहीं राइड पे या ड्राइव पे कोई नया एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। तो फटाफट से इस काम को निपटाते हैं और फिर आज का दिन शुरू करते हैं। हर की पौड़ी पर रात के नज़ारे लेने, और जैसे कि आज की खबर भी है कि हर की पौड़ी को खाली करा लिया गया था, तो मैं इस समय रात को वहां जाके देखता हूं अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। तब तक आप एंजॉय करो इस रास्ते को। अगर लगभग 8:30 बजे करीब हम हर की पौड़ी गए थे, तो उस समय मतलब नॉर्मल सा ही लग रहा था सब कुछ। पानी भी दोबारा खोल दिया गया था और थोड़े बहुत लोग थे वहाँ पर। बाकी पानी एक बार मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ कि पानी कितना है इस समय। तो गाइस, जैसा कि इसमें दिख रहा है कि पानी कम किया गया था और रात को भी वो पानी कम ही था। नॉर्मली ये इससे ज़्यादा रहता है पानी, इतनी खाली नहीं रहती हर की पौड़ी। पर वो जब से वो बांध टूटने की खबर आई थी, उसके बाद से सबसे पहले हर की पौड़ी पे ही पानी रोका गया था, अपना जो भी रीज़न रहा होगा उनका। बट रात होते होते चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल हो गई थी। तो गाइस, इस समय मैं खड़ा हूँ बड़ी गंगा जो हरिद्वार में है, उसका आप अगर वाटर लेवल देखोगे तो बहुत कम किया हुआ है इस समय इन्होंने। देखो आप, कल दिन में ही मेरे ख्याल से इसके पानी को कम कर दिया था। वो है मेरे सामने प्रेमनगर वाला पुल और मैं भी खड़ा हूँ ऋषिकुल पे। अब यहाँ से आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या क्या स्टेटस है गंगा जी में पानी का। तो गैस, यहाँ से अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और कनखल वाला एरिया है और जो हरिद्वार वाला एरिया है वहाँ पर देखते हैं कि क्या स्टेटस है इस समय गंगा जी का। मैं एग्जैक्टली समय ऋषिकुल तिराहे पर हूँ और यहाँ से अब निकल चुका हूँ अपने ऑफिस के लिए। तो ये जो बड़ी गंगा है इसके अंदर तो पानी कम किया हुआ है इस समय, और कल दोपहर से ही पानी कम है इसके अंदर। कल का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, इन खबरों में ही निकल गया। सोचा था कहीं की राइड करके आऊँगा या कहीं जाऊँगा, और लेकिन कहीं जा ही नहीं पाया इस चक्कर में कि पूरा दिन इन्हीं खबरों में लगे रहे क्या स्टेटस है क्या होगा। और कुछ टाइम तक तो बहुत ही सबकी हालत ख़राब हो गई थी। सच बात यही है कि अलर्ट पे हर की पौड़ी को भी कर दिया गया था, हर की पौड़ी पूरी खाली करवा ली गई थी। इससे पीछे वाली आपने क्लिप में देखा ही होगा कि रात को जब मैं हर की पौड़ी गया था तब वहाँ पर पानी काफ़ी कम था, और आरती के टाइम पे तो बिल्कुल ही पानी रोक लिया गया था और भीड़ को भी वहाँ से हटा दिया गया था।
तो मैं एग्जैक्टली शंकराचार्य चौक पर हूँ और यहाँ से ओम वाला जो पुल है, मेरे सामने भी एक कैनाल है, ये इसके अंदर पानी थोड़ा है जैसा कि मुझे दिख रहा है, पर अभी आपको पुल के ऊपर से दिखाऊंगा मैं कि इसमें पानी है या नहीं है। तो यार इसके अंदर तो पानी सामने की तरफ से छूट रखा है, मतलब ऐसा तो कोई रुका हुआ मुझे दिख नहीं रहा। और वहाँ से हर की पौड़ी अंदर से पानी यहाँ से बाहर निकलता है, फिर वो बड़ी वाली गंगा में मिल जाता है। तो फिलहाल यहाँ की तो स्थिति कम जो है वो नॉर्मल ही है, यहाँ पर पानी जैसा रहता है वैसा ही है। बढ़ते हैं आगे और अब मैं जाता हूँ सीधा चंडी घाट वाले पुल पर, और चंडी घाट वाले पुल पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पानी आया होगा, अगर बड़ा है पानी, तो उसका असर हमें दिखेगा चंडी घाट वाली गंगा जी में। तो चलो चंडी घाट वाली गंगा जी को एक बार देख लेते हैं। जाना ऋषिकेश है लेकिन मैं फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं जा रहा, एक बार चंडी घाट वाले पुल का चक्कर मार के फिर वापसी वहीं से मुड़ जाऊंगा और हर की पौड़ी होते हुए निकल जाऊंगा। तो मैं यहाँ से मुड़ रहा हूँ चंडी घाट की तरफ, चंडी देवी वाली रोड की तरफ, और चलो चल के देखते हैं एक बार कि क्या है स्थिति इस समय चंडी घाट की। तो मेरे सामने आप वहां देख रहे होंगे, वो सामने देखो, वहां पर सारा कैंप बन रहा है इस समय कुंभ के लिए, और यहां पर कोई खास असर तो नहीं दिख रहा पानी के बढ़ने का। थोड़ा सा मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ, पानी वहां पर ज्यादा है क्योंकि इस एरिया में तो गंगा जी पूरी खाली है। आगे चलता हूँ और आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि कुछ पानी का बढ़ने का असर है या नहीं है यहाँ पर। इस समय मैं चंडी घाट वाले पुल पर खड़ा हूँ और सबसे ज़्यादा ना अलर्ट था वो यही एरिया था, क्योंकि इसके बिल्कुल पीछे सामने वहाँ है भीमघोड़ा का बैराज। अभी मैं यहाँ से घूम के उधर से ही निकलूँगा चीला होते हुए, बट यहाँ पे सब नॉर्मल है, अगर पानी बढ़ता तो यहाँ बढ़ता, लेकिन ये एरिया इतना बड़ा है कि यहाँ पर कोई टेंशन की इतनी बात ही नहीं होती। जब 2013 में भी बाढ़ आई थी और एक बार 2010 में भी बहुत पानी चला था, तो सारा का सारा पानी ना इसी जगह समा जाता है, बहुत बड़ा एरिया है ये, तो यहाँ सब नॉर्मल है। यानी कि इस पर्टिकुलर चंडी घाट वाला जो एरिया है, इस नील धारा वाली नदी की वजह से यहाँ पे स्थिति नॉर्मल है, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अब हम फटाफट से वापस अपने रूट पे आ जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ भीमगोड़ा बैराज पर पहुँच के कि वहाँ की क्या स्थिति है। एनीवेज मैं हर की पौड़ी के बिल्कुल सामने वाले पुल पे हूँ इस समय, और यहाँ पे तो पानी खैर रोका ही हुआ है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो क्योंकि ये तो अभी टेम्परेरी एक रास्ता बना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि नीचे से पुल के नीचे से निकल के जाएंगे और उसके लिए टेम्परेरी रास्ता बना रहे हैं ये, तो उस वजह से यहाँ पर तो कार पानी आएगा भी नहीं। जगह जगह रुक रुक के मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ, मैं खुद देखता चल रहा हूँ एक्चुअली में ना।
तो खैर ये जो एरिया है ये बिल्कुल मेरे सामने हरकी पौड़ी है, और रात को जब मैं हरकी पौड़ी पे गया था तो ऑलमोस्ट चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, और ये एरिया पूरा सूखा रहेगा पूरे जब तक कुंभ चलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर टेम्प्रेरी गेट्स बना दिए गए हैं ताकि लोग नीचे वाले रास्ते से होते हुए हरकी पौड़ी पहुँच सकें, और कुछ इवैक्यूएशन पॉइंट बनाए होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फटाफट चलते हैं भीमगोड़ा बैराज पर। भीमगढ़ा बैराज पर जाने के लिए मुझे यहाँ से लाना होगा राइट टर्न, क्योंकि आगे से कोई फिर एरिया नहीं खुला हुआ मिलेगा, तो यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा सा रॉन्ग साइड को। तो ये मैं मुड़ गया हूँ भीमगढ़ा बैराज की साइड में, और ऋषिकेश जाऊँगा मैं चिल्ला होते हुए। आज इस रूट से सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि क्या क्या स्थिति रही है जब से कल से ये सारी सिचुएशन बनी है, कि वहाँ पे डैम टूटा, उसके बाद से सुबह से ही खबरें बहुत आ रही थी, तो क्या स्थिति बनी होगी देखते चलते हैं। सो, ये मैं पहुँच गया हूँ भीमगोड़ा बैराज पर, और एग्जैक्टली यहाँ से तो नहीं दिख पाएगा, लेकिन इसके पीछे वाला एरिया जो होगा ना वहां से दिख पाएगा कि पीछे कितना पानी रोका है इन्होंने। तो भाई साहब ये मैं पहुंच गया हूं भीमगोड़ा बैराज पर, और यहाँ पर यार सब नॉर्मल सा दिख रहा है मेरे को, तो हरिद्वार के अंदर ना वाटर मैनेजमेंट है बहुत बढ़िया, हर जगह चारों तरफ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डैम वगैरह मतलब जो भी बैराज बने हुए हैं, मतलब यहाँ पे सब नॉर्मल है स्थिति, ऐसे कुछ भी पैनिक की स्थिति है ही नहीं यहाँ पे, जैसे लगे कि हमें डरने की जरूरत है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ ऋषिकेश की तरफ, और अगला जो बैराज है वो ऋषिकेश बैराज है, तो वहाँ पर क्या स्थिति है अब यहाँ से 30 किलोमीटर के बाद, लगभग 25 किलोमीटर के बाद मुझे मालूम पड़ेगी। तो चलो बढ़ते हैं यहाँ से अब ऋषिकेश की तरफ। बाकी यहाँ पर स्थिति कोई ऐसी नहीं है जिसको देख के ये कहा जा सके कि कोई एबनॉर्मैलिटी है, पानी उतना ही है जितना है, हो सकता है थोड़ा बहुत बड़ा हो, इसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है यहाँ पर इस जगह पे, हरिद्वार में सब सेफ है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं यहाँ से ऋषिकेश की तरफ अगले बैराज पे। तो गाइस इस समय मैं पहुंच चुका हूँ चिला में बिल्कुल बीचों बीच, और ये वाली नहर को भी सुखाया हुआ है, बट ये कल वाले एपिसोड की वजह से सुखाई है या फिर किसी और वजह से सुखाई है ये मैं नहीं कह सकता, बट इसे भी सुखाया हुआ है। और यार गहराई देखो कितनी जबरदस्त है इसकी, ये स्लोप मेरे दूसरी तरफ तो खैर इसमें अब कमाल की बात देखो गाइस, ये जो कच्चा एरिया ना सुखी नदी, ये पानी इसके नीचे से निकलता है, अब ये कमाल की बात नहीं है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है, बट इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि अब उस एरिया में निकलोगे तो बिल्कुल कच्चा कच्चा मिट्टी इकट्ठी हो रखी होती है, तो वहां देख के पता ही नहीं चलता कि इसके नीचे से भी नदी निकल रही होगी, बस कमाल की बात यही है, बाकी सब नॉर्मल है, सब लॉजिकल है। तो गाइस चलो यहां से आगे बढ़ता हूं और पहुंचता हूं सीधा ऋषिकेश बैराज, नॉर्मल सही है। और नॉर्मल ही लग रहा है सब, पानी वगैरह कोई ऐसी स्थिति लग नहीं रही यहाँ पे कि जिससे डरने की कोई वजह बने।
सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपने ऑफिस और वीडियो देख के आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि हरिद्वार ऋषिकेश में से घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मली है। लेकिन जो एक ख़राब बात है वो ये है कि जिस जगह पर इसका सबसे पहले असर हुआ था ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हैं, मतलब 100-150 से ऊपर ज़्यादा लोग लापता हैं और पता नहीं उनकी शायद जान जा चुकी होगी। तो लेट्स प्रे टू गॉड, भगवान से दुआ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जा सकें इस पूरी मुहिम में जिसमें NDRF भी लगा हुआ है। एंड कल सोचा यही था मैंने कि दिन में कहीं जाके वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पूरे दिन इसी तरीके से निकल गया, इसीलिए कहीं जा ही नहीं पाया। एनीवेज गाइस, इस वीडियो में इतना ही। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।